एक अमरुद खाना तो बनता है। किसकी है? पहाड़ों का पानी, पहाड़ से यहाँ पे पानी आता है। वेलकम बैक टू जोविका ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर दी हूँ प्लीज। तो मैं आज आप लोग को मेरा विलेज टूर करवाऊंगी। जैसे कि सब लोग सिटी में रहते हैं तो ये वाला नजरिया किसी को देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए आज मैं आप लोग को विलेज लेके चलूंगी। चलिए आइए। आज धूप है लेकिन इस हवा की वजह से ना धूप का कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है मुझे। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये सब जितने भी आप लोगों को ग्रास दिख रहा है ना, ये सब ग्रास यहाँ पे गाय को देते हैं, क्योंकि गाय यहाँ पे जितने भी सारे घर है वहाँ पे सबके घर में काउ फार्म है। तो एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर पेड़ मतलब ट्री सब लब्बड़ का ट्री है, जैसे कि हम लोग के टायर प्लास्टिक का चीज जो जो बनता है ना उसका पेड़ भी इधर में बहुत सारा है। तो मैं आप लोग को कुछ उसका पेड़ दिखाती हूँ आप लोग को। मुझे भी इतना प्रोसेस तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन वो देख रहे हो आप लोग सफेद सफेद निकल रहा है ना, वो लबड़ निकल रहा है। देखिए इसको निकालते हैं, उसके नीचे में तो एक थोड़ा बाउल जैसा भी रखते हैं, थोड़ा उधर साइड है वो, मतलब अभी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। मैं नीचे तो नहीं जा सकती हूँ, देखिए नीचे जाने से तो नीचे पहुंच जाऊंगी मैं थोड़ा। तो वहां से निकलता है, एक बाउल जैसा रख देते हैं वहां पे, तो वो छोटा छोटा करके उसका ड्रॉप निकलता है, तो उसको लेके जाके वहां पे लबड़ बनाते हैं। पेड़ तो लबड़ का ही है, इसको देखिए कितना बड़ा है। तो अभी आप लोग को मैं ले चलती हूँ पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे पिकनिक भी खाते हैं, काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक खाने के लिए। अभी यहाँ पे पूरा ग्रास हुआ है क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, तो इसीलिए ज्यादा ग्रास होते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम लोग का पहाड़ी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, आप लोग को पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा प्लीज, और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मैं आप लोग को ऐसे ऐसे व्यू और दिखाती रहूंगी, प्लीज सपोर्ट मी। मैं नेपाली हूँ, नेपाली में ब्लॉग कर रही थी लेकिन सबको समझ में आएगा बोल के मैं हिंदी में ब्लॉग कर रही हूँ आप लोग के लिए। प्लीज आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे आगे तक लेके जाने के लिए। और ऊपर लेके चलती हूँ आप लोग को, देखिए कितना अच्छा। अभी बारिश हो गया तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा खराब हो गया है। पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्कूल से आते थे तो इधर में पूरा अपना शूज निकाल के यहाँ पे पैर वेर धो के जाते थे और घर में जाके मम्मी की पिटाई खाते थे। आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ घर में, क्यों मैं आप लोगों को बताती। ये वाला जो है ना, ये बारिश के समय में बहुत आता है, हम लोग का घर में तो इतना आ रहा है, बाप रे। देखिए कैसे चलता है रेलगाड़ी। आप लोग बताइएगा इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, मुझे पता नहीं है इसका नाम। हम लोग वहां से आए थे वो रास्ता से, अभी हम लोग जाएंगे ये रास्ता। चलिए आइए। छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी है, छोटा पैकेट बड़ा दम होता है। इतना छोटा पेड़ है, छोटे छोटे अमरूद थे फिर भी कितने टेस्टी है। ये तो छोटा पेड़ था लेकिन वहां पे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया मुझे। अभी मैं वहां से दिन ले जाती हूँ, घर का मालिक आया तो मालिका फिर मैं ले जाती हूँ। दो तीन ठो ये वाला बड़ा वाला है।
एक लेके जाती हूँ घर में, दूसरा का पहले ज्यादा तो नहीं ले सकते, चोरी कर रहे हैं फिर भी सबके लिए एक एक। मैं वो रास्ता से आई थी, इसके पीछे वाला रास्ता से, अभी इसके ये वाले रास्ते से जाऊंगी। यहाँ से पहाड़ों का पानी, पहाड़ से यहाँ पे पानी आता था, पहले हम लोग का घर में यहीं से जाता था पानी मशीन लगा के, अभी तो हम लोग ने नीचे बोरिंग किया है लेकिन पहले यहाँ से जाता था, अभी तो काफी गंदा हो गया। अभी आप लोगों को व्यू दिखा दिया है, मैं कहाँ रहती हूँ, कैसी जगह पे रहती हूँ, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मैं ऐसा वीडियो आप लोगों को और लेके आऊँगी ऐसा ब्लॉगिंग। अभी मैं जा रही हूँ घर, घर जाके करूँगी लंच। सो मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।